जन्म है स्वर्ग सुख स्त्री और मत। और उस समय में नारद जी से और भी हमको अभिशाप प्राप्त है, आज मैं कोटि कोटि अनंत कोटि वर्ष तक तपस्या करके जो फल नहीं पाता आज आपके स्पर्श से मुझे मिले। जन्म जहां भी हमारा हो भक्तों का संग हो और उनके मुख से हम आपकी कथाओं को ऐसे भी लागे और हाथ जो करके और जो करके उस सब दिशा में कृष्ण ने क्या किया कहा कुछ नहीं किंतु कितने भीतर ऊपर कृपा की क्या किया कृपा करके उनको तो उस जोनी से उद्धार किया ही। संपात भी दूर कर दिया और उनको गोलोक वृंदावन के खास महल में अपना पूर्ण सखा बनाया। कैसा सखा बनाया क्योंकि उनका नाम रख दिया स्निग्ध कंठ और मधुपति। जो नंद बाबा के और गोपियों की राजसभाओं में वो कृष्ण और गोपियों की ये सब कथाओं को कहते हैं कथावाचक के रूप में वो कथावाचक हो गए। कहा गोलोक वृंदावन वृंदावन में और नंद की सभा में मधुकंठ और स्निग्ध कंठ गोपियों की सभा में कृष्ण की कथाओं का ये लोग वर्णन करते हैं। इस पद को पा दिया नारद जी के क्रोधपूर्ण कमीशन पास से देखो तो ऐसे ही भक्तों का संग विफल नहीं जाता। क्रोध करके शासन कर देंगे तो उनका क्रोध का कारण होता है अनर्थों से ये रहित हो और इनको शुद्ध भक्ति मिले। किंतु कभी कभी हम नहीं समझता किंतु फल तो उसका कुछ होगा ही आज नहीं तो कल होगा। किंतु यदि साधक यदि अपराध करे उनके प्रति तब तो वो कृपा नहीं पाएगा उसका हकदार नहीं उसका अधिकारी कृपा करेगा तब तक फिर उसका बड़ा सारी मशक्कत हो जाएगा क्योंकि कृपा वहां पर नारद जी तो एकदम परम सिद्ध में सिद्ध के परम सिद्ध है ना उनकी कृपा भगवान की कृपा बराबर है करीब करीब भगवान की कृपा से भी बल्कि उनकी कृपा बढ़ी। किंतु यहां पर साधक जो गुरु है मध्यम अधिकारी उत्तम अधिकारी का ही यहां पर कुछ विशेष बातें हैं इसलिए यहां पर महाअपराध हो जाता है इसलिए खूब बच करके रहना चाहिए। इसलिए गुरु की कृपा को भी हम अपने ऊपर उनकी कृपा समझ। इधर क्या हुआ इधर तो ये हुआ बच्चे सब लोग देख करके सहम गए और इतने में नंद बाबा स्नान करने के लिए ब्रह्मांड गाड़ दिया रहे पेड़ों की गिरने की आवाज सुन करके क्या हुआ आवाज की तरफ में चले और वहां पर ऊपर इधर जसोदा भैया ने देखा अरे बेटी रहा कहां हुआ पासी में बगल में कहीं हमारा बच्चा देखा अरे बच्चा तो वहां है नहीं वो लड़के भी नहीं है तो रास्ते से रास्ते के दरवाजे से ही निकले में और दरवाजे के पास में पेड़ टूटे हैं वो भी एकदम डरी हुई वहां पर था। इतने भी जितनी महिलाएं थी सब पहुंचे वृद्ध के जितने जुट थे लोग थे सभी लोग पहुंच गए नंद बाबा वहां पर पहुंचे। कृष्ण अब तक चुप थे शांत थे उनके आंसू सुख गए थे किंतु जब नंद बाबा आए निकट में तो देख करके फफन फपक करके अब तो बड़े जोर से लंबी लंबी सांस ली करके किस लिए यदि दो बालकों में लड़ाई झगड़ा हो जाए वो उसको मार रहा है उसको मार रहा है और एक बलवान लड़के ने छोटे बच्चे को जरा दो थप्पड़ लगा दिया तो उस समय नहीं रोएगा किंतु उसी समय मैया ने आई क्या हुआ तो क्या करेगा वो रोने और यदि उस जिसने मारा है उसकी मैया भी आ जाएगी क्या हुआ तो क्या करेगा वो भी रोएगा। मैया को देखकर के बाप देखकर के ऐसा ही होता है जहां नंद बाबा जी आए और शरीर में आ रही पीड़ गिर गए हैं आज यदि सीधे गिरते तो क्या होता आज के यदि सीधा गिर तो पेड़ डालती हो तो छेले जब तो एक 50 साल के किए तो की होता क्या होता नंद बाबा दौड़ करके गए
और रोते हुए कृष्ण को अपनी गोदी में बैठा दिया बैठ और बड़े लाड प्यार से पूछा, बेटा बेटा तू रो मत, बतलाओ को किसने बांधा, कौन बांधा, ये बांधो तुम्हारे, बार बार पूछ रहे हैं। कृष्ण रो रहे खूब जोर से, किंतु शिक्षक ने जरा थोड़ा सा कम हुआ तो कहना चाहते हैं ये मैया ने बांधा, किंतु डर के मारे उनके मुख से ये नहीं निकलता कि मैया ने बांधा। प्रेम एक ऐसी चीज है नहीं बतला सके। हां अपने पॉकेट से नंद बाबा ने एक लड्डू निकाला और लड्डू निकाल करके कृष्ण शिशकते हुए बालक को हाथ में दिया। जितना बालक रो रहा हो, छोटा सा बच्चा, कोई खिलौना हो और कोई खाने की चीज हो, तो बस रोते हुए भी हंसने लगेगा, मुस्कुराने लग जाएगा, रुलाई बंद हो जाएगा। इसलिए नष्ट भाव उसके पिताजी ने स्नेह से लड्डू निकाल करके उनको दिया। कृष्ण लेकर के किंतु शिशक है अभी रोना बंद नहीं, नंद बाबा ने बतलाओ तुम कौन बना, कौन बना। अंत में उनके कान में ये बतलाया मैया, और मैया उस समय कहां है, जरा दूर खड़ी है और महिलाएं भी दूर खड़ी है, जो सुधा जी काटे कटे हुए वृक्ष की भांति है, मैंने एकदम सूखे हुए वृक्ष की तरह न रो पाती है, न कुछ कह पाती है, न निकट में आ पाती, निकटते आस्ते पा रहे कानते पा रहे क्या नो हमारे एक भयंकर बूढ़े द्वारा आज के यही अवस्था, यदि मरे जी तो ताले की हो तो क्या होता। इसलिए वही पर खड़ी है चुपचाप सूखे हुए पेड़, नंद बाबा ने कहा कौन मारा कौन बांधा, उन्होंने कहा मैया, बड़ी निष्ठु मैं तो नहीं जानते था कितनी निष्ठुर है। अच्छा बस क्रोध में एकदम भर गए, किंतु ऊपर से कुछ कहा नहीं, देखा वहीं से सिरखी नजर से, और जसोदा जी ने भी देखा और भी उनका चल नहीं जाता। नंद बाबा ने किया क्या डर उसको खोल ले, और बड़ी मुश्किल से करते 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 किसी बच्चों से पूछा अजी ये पेड़ कैसे गिरे, पेड़ कैसा गिरे, बाबा 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 तुतला किसे बोलने लगे, वो कृष्ण ने उखल लगाया उखल और फिर पे 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 गी 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 गिर गए, और फिर उसमें से दो 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 देवता निकले, देवता निकले और उन्होंने कनाई को पप्पा पप्पा परिक्रमा किया और पप्पा परिक्रमा करके उसको हाथ जोड़ करके कुछ कहा और फिर उत्तर दर्शन इधर में चले गए। बाबा ने ये कभी हो नहीं सकता, ये ऐसा नहीं होता, कृष्ण के खींचने से ये पेड़ नहीं गिरा, और उसमें से देवता निकलकर इसकी स्तव स्तुति करेंगे छोटे से बालक की, उन्होंने विश्वास नहीं किया, सोचा कि कंस के किसी दुष्ट असुर ने ऐसा किया, किसी कंस के चरने कंस ने आदेश दिया होगा, वो पेड़ के अंदर में समा हो गया होगा और उसके वजह से ऐसा हुआ, अन्यथा ऐसा होना असंभव हो है। फिर कृष्ण बड़े क्रोध में तम तमा गए यशोदा जी, कुछ कहा नहीं, बड़े गंभीर है ना, साधारण आदमी नहीं है, कृष्ण के पिताजी हैं बड़े गंभीर, उन्होंने पाए कंधे दाहिने कंधे पर बलदेव जी को या पाए गोदी में दाहिने गोदी में बलदेव जी को और पाए गोदी में कृष्ण को कन्हैया को बैठाया और दोनों को बैठा करके वहीं से थोड़ी दूर पर है ब्रह्मांड घाट में गए, बच्चों को स्नान कराया, जितने वो कालिखा आंखों का काजल लग गया था मलमल करके धोया और उनको स्नान कराया और स्नान करके अपने भी स्नान किए, और तब तक कितना बच गया
बारह एक बज गया, कृष्ण ने भी कुछ नहीं खाया, नंद बाबा ने भी कुछ नहीं खाया, आज सवेरे का कलेवा भी नहीं हुआ। उनको स्नान करा करके घर में ले आए, क्या किया कृष्ण को देखा जी ये बहुत भूखा है, बोले गाय के निकट में गए और गाय का दूध वो करके उनके मुंह में लगाया और मिश्री पॉकेट से निकाल करके उनको मुंह दे धारुष्ण मिश्री के साथ पेट भर करके दोनों बच्चों को। एक गैया कितनी 40 किलो अभी हॉलैंड में दूध देती है और कृष्ण की गैया कितनी देती होगी, कहें 40 किलो का कितना 40 किलो दूध से कृष्ण का और बलदेव जी का पेट भर करके यहां पर आए। आज किसी को सास नहीं हुआ, घर में रसोई नहीं बनी, बड़ी मुश्किल से और थोड़ी देर में थोड़ा सा कुछ बनाया किसी ने और नंद बाबा ने कृष्ण को कुछ खुला दिया या आपने थोड़ा सा ग्रहण करके कुछ नहीं जा किसी से बोले नहीं, बच्चों के साथ में खेल रहे हैं। इतने में शाम हो गई, जब शाम हो गई तो उपानंद जी की पत्नी जेठानी जी नंद बाबा की भी मैया के समान और रोहिणी मैया और दूसरी दूसरी महिलाएं वहां पर उपस्थित थी। बलदेव जी को सिखलाया, अरे तब उसको पकड़ता था तो बाबा की गोदी में बैठा है वहां पर। जब दाऊ जी जब गए कृष्ण को पकड़ा था, कृष्ण ने ऐसा उसको थक्का दिया कि वो और दिन में ऐसा नहीं। बलदेव जी देखते रह गए, अब महिलाएं सब निकट आए। किसी ने कहा अरे बेटा हमारी भैया इतनी रो रही है, चलो भैया के पास गंगा जाओ। हूं नहीं, नंद बाबा ने कहा कि भैया के पास जाएगा, उन्होंने भी कहा, उनको भी दया आ गई, जिसके अभी तक खाया नहीं शाम हो गई, इसकी मैया भी मर रही जाए, इसलिए उन्होंने समझाया नहीं जाए। रोहिणी मैया ने या उपानंद की पत्नी ने इनकी इनकी क्या है कृष्ण की बड़ी मैया कहा जैसा अरे बेटा जाएगा नहीं, ठीक किसके साथ में खेलेगा, तो पिताजी और भैया के साथ खेलेगा। रोहिणी मैया ने उनको बुलाया कृष्ण को, अरे बेटा आ जा। तो वो आज क्रोधित होकर के बोले मैया आज रोहिणी मैया मैया मैं कर रहा था तू कहां थी, उस समय तो थी नहीं, उस समय नहीं कहां थी, उपानंद जी के घर, अब तेरे साथ ही नहीं हो, उनके गोदी बेटी है। तब उपानंद की पत्नी ने उसे कहा अरे खाएगा क्या, तो पिताजी हमको दूध और मिश्री की चाहिए, सोएगा कहां, आज तक तो अकेले नहीं सोया भैया की गोदी में सोया, अब कहां सोएगा, तो बाबा की गोद में नहीं सोएगा, नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। उस समय में शायद नंद बाबा ने कहा या उपानंद की पत्नी ने कहा यदि तेरी मैया जय सिया राम मर जाए तो ऐसी मर नहीं जैसी नौ मरते तो बस सुना कि मैया मर जाएगी मेरे बस अब रहा नहीं गया, हाथ पसार दिया मैया मैया का। जब उस समय रोने लगे तो रोनी मैया और सब महिलाएं रोने लगी, नंद बाबा की आंखों में भी आंसू आ गए, सब समाज सब रोने लगा। उस समय में रोहिणी जी कृष्ण को गोदी में लेकर कृष्ण ऐसे उनकी गोदी में चले और लेकर के जहां यशोदा जी अभी रो नहीं पा रही थी सुख है बेकार की तरफ में प्राण का संचार नहीं हो रहा उनकी गोदी में बैठा, जब गोदी में बैठा दिया तो एकदम लावा जैसा टूटा, लावा माने पर्वत से जैसे लावा फूटता है ना अग्नि, उसी प्रकार से आप रोने लगे बेटा 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 बेटा। और कृष्ण क्या करने लगे वो भी मैया मैया कर रोने लगे, बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपना स्तन दिया कृष्ण से सत्य में धीरे धीरे दूध पीने लगे और धीरे धीरे मैया का ये भी शांत जब धीरे धीरे होने लगा
अब तक रसोई नहीं बनी, अब थोड़े से रोहिणी भैया ने रसोई की व्यवस्था की। नंद बाबा को बुलाया गया, वो आए, कृष्ण और बलदेव दोनों बैठे थे। जब रसोई सामने आई तो कृष्ण को खिलाया और बलदेव जी को खिलाया, और कृष्ण को कहा पकड़ना मैया को, मैया ने फड़े लिया, तेल लिया। अरे कृष्ण गए और अपनी मैया का आंचल पकड़ रहे। उस समय कैसी करुण दशा होगी, यशोदा जी अपने आंखों को आंसू को फिर संभाल रही थी। पैथेटिक को खींच करके लाए। फिर नंद बाबा ने नीचे नजर करते हुए कहा, तुम नहीं खाएगी तो हम कैसे खाएंगे, तुम नहीं खाएगी तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना बच्चों को, ये बच्चे हैं। मैं तो जानता थी तुम निष्ठुर नहीं है, अब ऐसा सुन करके उनके कलेजे में कैसा लगा होगा। एक साथी लोग लौकिक संबंध भाव, कृष्ण ऋषि के द्वारा ब्रज का भाव होता है। दूसरा, लाख चेष्टा करो, लाख तपस्या करो, पैदी भक्ति भी करो और भी कुछ करो, नहीं होगा। यशोदा मैया के अनुगत में कोटि कोटि वर्षों तक ऐसा अनुराग पूर्वक उनके अनुगत में उनके भावों के लोग से यदि भजन किया जाए तो यशोदा मैया का भाव हमारे हृदय में आकर्षित होगा। और यदि गोपियों का पाना चाहते हो तो क्या होगा, श्रुतियों ने जो किया, दंडकारण्य निवासियों ने जो किया, जौतिकी अजौतिकी ने जो किया, तब तो ब्रज में नहीं तो लक्ष्मी जी को भी नहीं होगा, जगह पत्नियों को भी नहीं हुआ, पीछे जन्मों में कुछ हुआ होगा किया नहीं, मैं नहीं कर सकता, किंतु उन जन्म में तो। इसलिए गोपियों के लिए ये महाप्रभु जी ने स्वयं रूप गोस्वामी को और सनातन गोस्वामी को बताया। यह भाव बहुत ही दुरूह है। यहां तक कि सख्य और वात्सल्य अगोचर, सख्य और वात्सल्य के लिए भी अगोचर भाव है ये, केवल मात्र गोपियों के अनुगत में भजन करने से उन्हीं की कृपा से ये भाव हो सकता, अन्यथा नहीं भाई। इसलिए इतना दुर्लभ ये चीज है। और हम लोग भी पावन होकर के चांद के समान इसको देखने के पाने के लिए लालसा कर रहे हैं, तो है बड़ा दुर्लभ। इसलिए कठोर साधन भी है, एक पैसे के लिए थोड़ा सा परिश्रम कर दो हो जाएगा, और चिंतामणि करने, चिंतामणि पाने के लिए और साज से नहीं होगा, ये चिंतामणि का भी चिंतामणि भाव। तो इस तरह से फिर नंद बाबा ने यशोदा मैया ने रोहिणी मैया को कहा कि ये खा ले तो हम छिष्ट पाएंगे। इसके बाद में उन्होंने भी नंद बाबा ने पाया, बच्चों को खिलाया, फिर यशोदा मैया रोहिणी मैया लेकर के आई, यशोदा को खिलाई, सब गोपियों को खिलाई, सब लोगों को खिलाई। इसके बाद में कृष्ण को गोदी में लेकर के, तब तक रात हो गई, अब समय हो गया, इसी समय में कृष्ण को गोदी में लेकर के बड़े जोरदार से उनको सुलाने लगी। कृष्ण कहा मैया एक कहानी कहो, मैया की कहानी कहो, तो वो दुला से कहा। एक रामचंद्र थे, महाराज दशरथ थे, उनके एक पुत्र थे राम, अपने पिता के आदेश से बन में गए, हाँ, और नीति अपल से अफारी हो रही, हाँ, तो वो बन में गए तो उनकी सीता को चोरी कर दिया राम, चोरी कर लिया लक्ष्मण धनुष लो, और ये कर करके जो सो रहे थे वहीं से कूद करके बस धनुष लो आविष्ट। इस तरह से लीलाएं सब होती है प्रेम की। इन लीलाओं का आश्रमण भारी नाम करो और लीलाओं का आश्रमण तन नाम रूप जगदादि सुकृत स्नान प्रवीण रसना मनसी नियोजन तिष्ठन ब्रजे प्रदान गादि पालन नरेद अभिलाम। ये समस्त उपदेशों का सार है। आप लोग इन लीलाओं का स्मरण करते हुए ब्रज की परिक्रमा करें, मन से स्पर्श कीजिए, शरीर से स्पर्श कीजिए, और वैष्णव के अनुगत में इस प्रकार से परिक्रमा करके सफल होंगे।
आज यही कर रहा हूं। कैन यू नाउ स्पीक? Now, Krishna asked his friends to push the mortar so that he was also pushing it and the planning was to go out of courtyard. Krishna is pushing it and at the same time friends are also pushing it. There is a door at the courtyard. और मैं बोलूंगा क्योंकि तुम्हारा जो है आज अभी इसके बाद में और मैं तुमको कथाएं बोलूंगा। So when Krishna came out of the door of the courtyard, just after that door, there were two trees, dual, yamal means dual, twin tree, and the name of those trees were Arjun. So yamal Arjun, yamal Arjun. Krishna very cleverly or deftly, I may call it, he entered from those two trees without touching those trees, and he entered and the mortar, Udukhal, it was also coming along with Krishna. Radha Krishna was dragging them and all his friends were pushing that Udukhal. Udukhal was lying horizontal, so it got stuck in between two trees. Now, Krishna has not touched those trees. Neither rope has touched the trees. It is mortar, Udukhal, which has touched that tree. Udukhal is inert otherwise, but Krishna's potency running through that rope went to the Udukhal and those trees received that potency of Krishna, mercy of Krishna. It was indirect mercy of Krishna. The moment those trees received that mercy, there was no storm, there was no rain, but those trees fell down. But they fell down, how did they fall down? Maharaj has showed you this. They fell down like this and this. Krishna and his friends were in between and they fell down like this. Meanwhile, from those trees to heavenly, demigod-like people, two persons came out. They were the same and they started praying to Krishna. They took parikrama of Krishna and then they went away. These two persons, Manigreen and Nalkuber, they received negative blessing of Naraji, not positive blessing, negative blessing. They were abusing Naraji, and Naraji then gave a curse and benediction. By the negative mercy, they got such a highly elevated stage. What was the stage? That Krishna sent them to his transcendental Vrindavan abode, and there they became singer, very, very melodious singer, and singing melody of Krishna. One was singing melody of Krishna in the assembly of Gopi, and one was singing melody of Krishna in the assembly of friends. Madhukans Gopiyon ki or Nanda Baba. Nanda Baba ya friends. In the assembly of Nanda Baba, Isnigdha Nanda Baba, they were singing the glories of Krishna. Now, Maharaj has stated here very interesting thing. All Vrajavasi's heart is in Krishna. If anything happens in Vraj, everyone runs towards Nanda Baba's house, that whether Krishna is okay. Why? Because they are always scared. They always want that Krishna must be okay. So, when these trees fell down, there was a very, very heavy voice, very large crash of voice, sound, and all the Vrijavasis, they started running towards Nanda Baba's house. Nanda Baba was going to
Brahman got to take bath. When he heard, he also ran towards his courtyard. And Yashoda Ma, when she heard it, oh, she came out of her house, she saw, she found that Krishna was not there, neither his friends were there. She was totally scared. And then she came out of the door. She stood there, but she found that all the two trees fell down and Krishna was there with mortar, bound by mortar. Nanda Baba came there. The moment Krishna saw Nanda Baba, he started weeping. Bitterly. Why? Maharaj is saying that this is the behavior of a child. If one child beats the other child, that person, the child who is being beaten, he will not weep. The moment his mother will come, he will start weeping. Similarly, Krishna, he stopped weeping. He was laughing with his friends. But the moment he saw Nanda Baba, oh, he started weeping bitterly. And Nanda Baba when came, he was very much scared and he was stunned. What happened? How come this boy, my such a darling boy, he is bound with this mortar? He took him in his lap. Oh, son, who did it? And son was weeping and sobbing. And very, very hard for him to stop. Then Nanda Baba took out one laddu from his pocket and then he gave that laddu to Krishna. Maharaj is again saying the behavior of a child. If he is weeping bitterly, any child if he weeps very bitterly, if you give him a toy or a sweet, he will subdue his weeping and he will start taking that sweet happily. So Krishna tried to pacify his sobbing. And then Nanda Baba is again and again asking, who did it? Then he said in the ear of Baba, Maya. Hardly he could say, Maya. And Baba said, Maya did it? She has become so much cruel, I can't believe. But then he thought that Maya was standing on the door. He just gave him a sidelong glance with some anger. And he did not say anything. Maharaj saying Nanda Baba is very stern and grave. He is father of Krishna. So he is very intelligent and sober. He did not say anything to Maya. Then he took Krishna with him. And Baldev also, he took both of them in his lap. On the right side he put Baldev and on the left side he put Krishna. And he just tried to pacify Krishna. Then he took both the children to Brahman Ghat. And there he made them to take bath. And all that sign of tears were there. He washed them and he gave them a good cloth. Then he took them to house back. And then he went to the cows. And there he gave milk to Krishna and Balram. By that time, Maharaj is saying it is about 1 p.m. No, nothing was cooked at home because Yashoda Ma was standing there. She was neither weeping nor saying anything. Like a dry tree, she became quite inert and inactive and not reactionary. Dharakshan, directly from the udder of the cows, that Nanda Baba gave his heart to Krishna. Stream, what you call it, when you just milk it. I can't pronounce it that well. And then, when Krishna drank that milk, he was a little bit pacified. Meanwhile, evening time came, and nothing was cooked at all. All the elderly ladies, wives of Upananda and all, they came. They said, oh Krishna, with whom you will play? He said, I will play with my friend. You will not go to your mother? No. Then Rohini came. Will you not come to me? I am your, you call me Maya? Then he was today angry with Maya also. No. Why will you not come to me?
Where were you when I was crying Maya and Maya? Balram also came. And they sent Baldev, they called Krishna. Baldev today, first time, he just pushed him so hard that Baldev fell down. Baldev is elder brother of Krishna. But today he was defeated by Krishna. Krishna was so much in anger. Then, someone, probably wife of Upananda or Rani, they said, "Oh Krishna, you will not go to your mother? No. With whom will you sleep?" "I will sleep with my Baba." "And if you will not go to your mother and your mother..." Maharaj says in action, they didn't say that die. It means that if she dies, the moment if she dies, he feels it. Krishna feels it, my mother will die. Then he started crying, "Oh Maya, oh Maya, oh Maya." It was very pathetic scene. Maharaj today added in that pathetic scene more. Then Rohini called him. Then he went to the lap of Rohini Maya. And then Rohini Maya gave Krishna in the lap of Yashoda Maya. Yashoda Maya, since the noon, she was like a dry tree. When Krishna came in her lap, she bursted out. As if it was a volcano bursted out. And she was weeping and weeping bitterly. Krishna is also weeping bitterly. Rohini cooked some food and it was evening time. And that food was served to Krishna, Balram and Nand Baba. Then Nand Baba asked Krishna, "Krishna, call your mother also? Because since morning she did not take anything. This is love. This is human life pastime. This is Madhurira." And then Krishna went. He called mother. And then Nand Baba said, "Look, why don't you eat? If you want eat, how can we eat? This is the human-like love. And look, after all, these are children. I used to think that you are very tender. You are very soft-hearted. But today, what did you do? I can't believe it." And Nand Baba was very, very pathetic in saying these things. And Yashoda Ma, when she will hear these things, what will be her state? She was crying, she was weeping. Then she said to Rohini, "Ask them, I will take, after their having prasad, I will take their prasad." And it was very, very Hirdaya Vidara, most pathetic scene. And then Yashoda Ma took Krishna in her lap, went to bed, and wanted to make Krishna sleep. She was saying, "Oh Krishna, sleep. Oh mother, tell me some story." And then mother said, "Okay." She made him lie in her lap, and she wanted him to sleep. There was a king. His name was Dashrath. He had a son, Ram. Krishna is saying whom? At the same time, he is going to sleep. His eyes are becoming heavy. And Yashoda Ma is going on narrating. Then his father sent him to jungle, exile. And they went to exile. Their Raman stole their Ram's wife, Sita. Raman stole Ram's wife. Though he was going to sleep, his eyes were becoming heavy. But there was a stimulant in him. He just got up. "Lakshman, bring my arrow and bow. I will go." And this thing is happening because finally he is Ram. So such pastime, we should meditate upon such pastime. And in the following of devotees who are having such love for Krishna, that is in their calling, in their anugatya. If we have want Vatsalya Bhava, and what about Gopi Bhava? Maharaj is saying, it is very, very difficult. It's not so easy. Lives together, thousands of lives together, if we do austerity, but it is very difficult to get. We have to follow in the footstep of Gopi. Maharaj is saying, like a dwarf, we want to catch moon. This is our state. But it can become possible if we try to follow the devotees in that line. One shot. Follow.
हरी कथा होगी सवेरे जैसा ही होती है, कल कोई प्रोग्राम नहीं है, बाहर का परिक्रमा विश्राम है। और परसों हम लोग सवेरे में अपना सारा सामान लेकर के सामान के साथ में सवेरे निकलेंगे और यहां से मथुरा में अपना सामान रखेंगे मठ में, और रख करके गाड़ी पर चढ़ करके हम लोग भांडी बन जाएंगे, भद्र बन जाएंगे, मास बन जाएंगे। फिर वहां से वो मानसरोवर जाएंगे, वहां से ब्रह्मांड घाट में जमुना में स्नान करेंगे और वहां से फिर महाबल में कृष्ण का जन्मस्थली दर्शन करेंगे और वहां से दर्शन करके गोकुल में ही यशोदा मैया ने कहा है कि हमारा निमंत्रण है, तुम लोग वहीं पर प्रसाद पाना, तो वहीं पर हम लोग प्रसाद पाएंगे। और फिर वहां से चल करके रावण में राधिका जी का जन्मस्थल लौहवन का दर्शन करके मथुरा में शाम को लौटेंगे। ये प्रोग्राम है, अभी ये बतलाएंगे अंडरस्टूड यू या नमस्कार, कोई भी बात नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है, तो वहां पर सब सामान कौन देखेगा, बंदर सब लोग चलेंगे, नहीं संभव, असंभव है, बहुत मुश्किल होगा।
Then Sanatan Goswami came to Kashi and he is very interesting. He went to the house where Mahaprabhu was staying and he was at the door. He did his pranam over there and Chaitanya Mahaprabhu, who is omniscient, he came to know that Sanatan has come. He asked Chandrasekhar that go outside and one Vaishnava is waiting for me, bring him in. When he went, he did not find any Vaishnava. According to him, Vaishnava means he must be having tilak and all this Vaishnava dress. He came back, there is no person, no Vaishnava there. Mahaprabhu said, no, there is a person outside, you can't see him. Yes, there is a person, he is Muslim saint, dervish, but he is not Vaishnava. No, he is Vaishnava, call him. And hence, this was the meeting of two devotees. Chandrasekhar was thinking, how come one Muslim saint and one sannyasi, they are embracing each other. But he could not understand that how advanced devotee is. Sanatan Goswami was, he was not Muslim. Then Mahaprabhu, Sanatan Goswami asked, there is an exchange of, Mahaprabhu gave him a shiksha, instruction. Who am I? Why I am having material pain? And how can I be relieved from it? And then Mahaprabhu, the first instruction Mahaprabhu is that you are not this body. You are conscious soul. And your internal constitutional condition is that you are servant of Lord. So the first instruction is that don't try to identify yourself or your body with your body. Your real identification is that you are spiritual soul and servant of Lord. One second. बताया
ये किस प्रकार से यशोदा जी ने कृष्ण को बांधा और किस प्रकार से कृष्ण उस लीला में से होते हुए भी जमदात्म का भार दिया और उनको प्रेम भक्ति प्रदान किया। इस प्रकार से अपनी लीलाओं के द्वारा स्वघोषम और निमज्जन करो। स्वघोषम अपने गोपल्ली को घोष करते हैं, गोपल्ली को अपनी लीलाओं के समुद्र में निमज्जित कर रहे हैं। ऐसी ऐसी एक ही दो लीला नहीं, प्रतिदिन नई नई लीलाओं के समुद्र में समस्त घोष वासियों को निमज्जित करते हैं। घोष माने क्या? घोष माने एक और भी होता है, जोर से घोष करना, घोषणा करना। तो ये घोषणा करते हैं, देखो अपने ऐसे ही भक्तों को अपने लीला रूपी मधुर समुद्र में, अमृत समुद्र में ही निमज्जित करता हूं, दूसरों को नहीं। इत्यादि स्वविलास भी लीला भी नंद लीला भी रानंद ऐसे ऐसे एक दो ने कृष्ण बहते अभी छोटे छोटे अढ़ाई तीन वर्ष के बच्चे अभी नंगे हैं, बड़े हृष्ट पुष्ट बड़े सुंदर, बलदेव जी भी बड़े सुंदर, कृष्ण भी बड़े सुंदर, सब पल्ले की मोहल्ले की महिलाएं वो माताएं वो सब वहां पर उनके घर में आ जाती हैं इनका दर्शन करने। कोई कृष्ण का पक्ष ले लिया, कोई बलदेव का पक्ष ले लिया। भाई ये बलदेव कृष्ण से बहुत अधिक भगवान है, कहा नहीं नहीं ये नहीं, कृष्ण ही भगवान। अच्छा तो ये दोनों मल का चित्र करके देखें जो कौन है, तो कृष्ण पक्ष वाली का भी है, यदि कृष्ण जीतेगा हम इसको हाथ में लड़ चुके और उनके वाली कह रही है कि यदि बलदेव जीत जाएगा तो इसको लड़ चुके, बस लड्डू के लोभ से दोनों ताल ठोक करके जैसे लड़ते हैं ऐसे ताल और ऐसे परमाणु जैसा मल्ल युद्ध में जैसा करते हैं वैसा ही कर करके और लड़ते हैं। कभी ऐसे मालूम हो गए अभी बलदेव कृष्ण को पछाड़ेगा, जो भी नीचे ले जाता है अभी वैज्ञानिक चेष्टा, इतने में कृष्ण ने ऐसे दाव मारा कि बलदेव जी एकदम लट करके और उल्टे उल्टे गिरे, इनके गिरे नहीं एकदम खड़े होकर के सब लोग ताली बजा रहे। इस तरह से दाव भी बचपन से ही अभी अढ़ाई तीन वर्ष के देता बलदेव जी इस प्रकार से कभी बलदेव जी नीचे आ गए कृष्ण मार गए दोनों का आश्रम। इस प्रकार से सब तालियां बजाते जब कृष्ण नीचे गए तो बलदेव वाली और कभी कभी कृष्ण वाली। इस प्रकार से लीलाओं के रस में निमज्जित करते हैं सब लोग, शुद्ध बुद्ध छोड़ करके और घर की बातें छोड़ करके बस उसी में निमज्जित हो जाते हैं उन लीलाओं। और जब घर जाते हैं तो क्या करती है इन्हीं लीलाओं का। मैं हिंदी में बोल रहा हूं कि ये अंग्रेजी भी बोल रहा था कुछ बात था क्योंकि तो महाराज जी ने बहुत बंगला में बोला और तुम लोग बंगला में सुनने का विचार करो समझ रहे तो बोले Shri Guru is now comes to the third verse of Dhammarasa from Iti Rikswalilabhira Ananda Kunde. Yesterday, Guru had explained
from the commentary of Srila Sanat Goswami how Yashoda Maya had bound Krishna and Krishna had liberated the Yamuna Arjun trees and given them grain. So here in this verse it says, Iti drik swalilabhira anandakunde swagosham nimajantam apkyapayantam. By such very beautiful pastimes, as we have heard yesterday, swagosham, Krishna, he is immersing his village, the people of his village, gopis and gopis, that's called swagosh, in the very deep pools of ecstatic love. And another meaning, swagosh, gosh means to very loudly proclaim the glories of these pastimes and the praying of the Brij Vasis. He's proclaiming this by such pastimes. So now, Srila Guru is describing how Krishna and Balaram, they became about 3 years old, and both of them would be running here and there, quite naked, and they were very, very beautiful in their appearance. Every day, the various elderly gopis of the Gokul, they would come to the house of Nanda Baba to see the very beautiful babies, Krishna and Balaram. So sometimes when they would come, then the elderly gopis, they would form two parties, two sides. One would be the party of Baldev and one would be the party of Krishna. And they would incite them to wrestle. One party would say, oh, Baldev is very strong. We think that he's stronger than Krishna. And the other side would say, no, Krishna is very strong. We think he's stronger than Baldev. So then to incite Krishna and Baldev to wrestle with each other, to decide this matter, they would say, oh, we'll give you a laddu, and you can show us how you are stronger than Krishna, like this. So, just like ordinary children being greedy for a laddu, then they would begin to fight with each other. And as they were wrestling, then sometimes Baldev would be in the predominant position, and he would be forcing Krishna, and Krishna would be down. And then just about when Krishna was about to go on the ground, then Krishna, he would do another move, and then Baladev, he would be underneath, and Krishna would be on top. And in this way, they showed such great skill in wrestling with each other. And at the time when Krishna was being defeated and Baladev was in the superior position, then the gopis on the team of Baladev, oh, they would laugh and clap, and they would encourage Baladev. And then when Krishna would do another move, and then Krishna would be in the dominating position, then the gopis on Krishna's side, oh, they would clap and they would laugh and say, oh, Krishna is defeating Baladev. In this way, all the residents of Vrindavan, they would forget everything and become completely drowned in the Ananda Kunde, the pools of bliss, by the sweet pastimes of Krishna and Baladev. Also, the meaning, Vakusha. Krishna ye ghoshana karte hain. इनके यहाँ तथा पिता जो उनकी महिमा को जानते हैं कृष्ण की महिमा को जानते हैं उनके ऐश्वर्य को जो समझते हैं कृष्ण की महिमा को समझते हैं उनके निकट ये घोषणा आता है क्या हमारे गोप और गोपियों जैसा हो कोई विश्व में पूज्य नहीं है उन्हीं के सामने ये लीलाओं को प्रसिद्ध हो इस चीज को घोषणा तद विधान विधान मैंने ऐसे भक्त लोग जो ये जानते हैं कि ये गोपियों के ही प्रसिद्ध रूप है और ऐसी लीला ब्रज में ही संभव है और दूसरी नहीं वो जानते हैं ऐसे लोगों की महिमा भी सुबह में प्रकाश करने के लिए नंद बाबा यशोदा उपानंद की पत्नी और रोनी मैया इत्यादि के संबंध में इनके जैसा भी सुबह में कोई भी सौभाग्यवान नहीं है मैं ऐसे लोगों के बसे पूछ हूं इन लोगों को बतलाने के लिए घोषणा कर रहे हैं इसलिए घोषे ही घोषणा कर रहे कैसी कैसी लीलाओं के लिए देखो एक साधारण एक साधारण लीला के पास जो गोपियों को तो छोड़ दो
एक समय एक मथुरा की पंक्ति रही अपनी टोकरी में पीले पीले आम, पीले लाल आम, अमरूद और दूसरे दूसरे फलों को भर करके चली बेची बेची कहीं से सुन रखा ये नंद को एक लाला हुआ बड़ा ही अलबेला और सुंदर, अब तो कुछ बड़ा हो गया है, इसे उसका दर्शन करा, बहुत लोभ से कृष्ण का दर्शन करने के लिए नंदलाल का दर्शन करने के लिए वो थे जमुना नदी को पाकर गोकुल के नंद भवन में गए और वहां कृष्ण दर्शन करने के लिए लालायित होकर के उनके घर के आसपास ही पुकारने लगी, आम लो, अमरूद लो, केले लो, लो पड़ा के फल ले लो, बड़ा दुभावना जानता ही नहीं होगा, और काली काली रस भरी जामुन ले लो, रस भरी ले लो, जैसे बच्चों के जीभ में पानी आ जाए सुन करके और बच्चे अपनी मैया से कहीं मैया हमको फल ला दे, इसलिए जो जो से बोलने लगे, किंतु आई थी इसलिए कृष्ण का दर्शन करने के लिए, इसलिए धीरे 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 वो उसका फल लो ये करने करते 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 वो बदल गया और टोकरी जो पकड़ी थी वो भी छूट गई, गोविंद लो माधव लो दाम उधर हो भूल गई, वो जानते हो कि गोपियां हैं या महिलाएं हैं विशेष करके व्रत की महिलाएं एक खड़ा दो खड़ा तीन खड़ा चार खड़ा रखकर और उसको पकड़ना नहीं है, वो चल रही है ऐसे ऐसे चल रही है और वो खड़ा उसके सीट पर है, तो वैसे इन लोगों को जड़ियों के लिए फल विक्रेती के लिए टोकरी को पकड़ना जरूरी नहीं है, गोविंद लो मानो लो दामो कर लो, इस प्रकार से होगा ये एकदम परम संत है, किंतु कृष्ण ने दर्शन नहीं दिया, सारी दिन घूमते हुए थक गए थे, आज कृष्ण उसको दर्शन ही नहीं, साधारण लोग दर्शन नहीं दे लौट वे दूसरे भी कहे आज तक दर्शन नहीं हुआ तो अपने प्राणों को छोड़ करके चले आऊंगी, कि आज दर्शन जरूर करना है, आज के हमें ठीक होना प्राण का उपाय रखे आज को आज के मुझे चले आए सॉरी, किंतु आज के दर्शन मत करते ही एक दिन दृढ़ संकल्प करे दुआ गाय, जब तक साधन में ये भावना नहीं आएगी और सारी जितनी भी आकांक्षाएं जगत की है वो सबको छोड़ करके अब हमको कृष्ण को आदर्शन करना है, हमको साधन ऐसा करना है, साधक के हृदय में ऐसी यदि भावना है तब तो भाई होगा, और नहीं गाल बजाएंगे हंसेंगे दोनों काम करेंगे, विषयों का भोग भी रहेगा और भजन भी करेंगे, ये नहीं होगा, हम लोगों का अधिकांश लोगों का पूरा सुखाश्वर जो भोग हमारा बचा रहे, हमारा पैसा कपट में ठीक रहे, एक पैसा खर्च न हो, फोकस में हम जाकर के कर भी आए भजन और वृंदावन की परिक्रमा भी कराए और हमारा पैसा भी सुरक्षित रहे और हमारा भोग भी ठीक रहे, हम जानते हैं कि ऐसा कोई ब्रह्मचारी हम लोगों में नहीं होगा जो 10-20 हजार पांच दस पांच यहां तक ही और भी रखा हो, हमारा उधर ठीक रहे, सब उनके महाराज जी के घाट पर जाए और हमारी परिक्रमा हो जाए, भजन भी ठीक रहे और हमारा ये भी सुरक्षित रहे, भजन का ये तरीका नहीं, भाई समझ लो यहां पर समझ गए मनी भूल गए महाराज जी ठीक रहे, अब हमको कुछ नहीं रखना चाहिए, अज्ञान यहां से पाठ से समाप्त होकर के गए बसते कुकुरे लेख 10 मिनट घी लागे दिए सीधा पड़े
जब ही होगा तब तो होगा उस फल विक्रांति के समान बनो। उसका कृष्ण से कोई भी संबंध नहीं है। हमारा बेटा है, हमारा भैया है, हम उसके भक्त हैं, हमारे को प्रियतम है, ये कोई भी संबंध नहीं है। एक साधारण देव कहीं से दीक्षित भी नहीं हुई, परिणाम भी नहीं किया, किंतु है तो आपके मातृमंडल की आज संकल्प कर। ऐसे हम लोग भी संकल्प कर सकते हैं। आज से हमने सारी संसार की आकांक्षाओं को छोड़ करके आज से संपूर्ण से गुरु पर और ब्रह्म वैष्णव के अनुरोध होकर के आज भगवान का भजन आरंभ कर देंगे। डू आर गाय ऐसा किसी का तो ये श्रम करने का था। अभी पूज्य पात्र भी को महाराज जी बोल गए क्या श्रम का फल क्या है? सनातन गोस्वामी तत्क्षणात् क्या कर दिया?